नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाई का मेरे चैनल किसान में स्वागत है। तो किसान भाई, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि देसी प्लांट को लगाने के क्या क्या नुकसान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये देसी प्लांट भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाइब्रिड प्लांट कैसा होता है और देसी प्लांट कैसा होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो बाकी सभी आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे जितने प्लांट लगे हुए हैं ये देसी प्लांट लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो देसी प्लांट आपको सामने दिखाई दे होगा, आप देख सकते हैं, और कोई प्लांट जो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। आप देख सकते हैं कोई प्लांट जो ऐसे साइड से मुड़ा हुआ है, कोई प्लांट आप देख सकते हैं दो दो इसमें जो है रूट्स आई हुई हैं, और कोई भी प्लांट जो सीधा नहीं है, कोई प्लांट मोटा है, कोई प्लांट जो है पतला है, और कोई प्लांट जो छोटा है। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे जो प्लांट देखने को लग रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये देसी प्लांट लगे हुए हैं और वैरायटी का तो नहीं पता हुआ है, ये जो वैरायटी पहले की लगाई हुई वैरायटी ये देसी वैरायटी है और कोई भी प्लांट जो देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं देसी प्लांट को लगाने के काफ़ी नुकसान है। मैं आपको हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ कि जो देसी प्लांट होता है हाइब्रिड प्लांट होता है दोनों में काफ़ी अंतर होता है। पर बहुत सारे किसान भी कहते हैं कि जो देसी प्लांट होता है प्लांट बढ़िया होता है, सीधा प्लांट लगता है देखने में, वेट भी उसको ज़्यादा देखने को मिलता है। पर किसान भी आपके सामने आप देख सकते हैं ये देसी प्लांट है, ना तो इनको आपको इतना वेट दिख रहा होगा, ना आप हाइट देख सकते हैं। हाइट भी आपको ये तकरीबन इसकी जो है 50-55-60 फुट तक जो देखने को मिल रही है, पर जो इसकी जगह हाइब्रिड प्लांट होता है उसकी हाइट 70-75 फुट तक आपको देखने को मिलेगी। प्लांट भी बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा प्लांट होता है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सीधा प्लांट नहीं है। नीचे से प्लांट जो है बढ़िया सपोर्ट लिया है, वहाँ पे जाके जो बीच में जाके ये बिंगा हो गया, साइड से मुड़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेढ़ा हो गया प्लांट जो, और बाकी सब प्लांट जो ऐसे थोड़े बहुत जो प्लांट है बिल्कुल बीच में जो सीधे हैं, बाकी सब प्लांट जो ऊपर जाके मुड़ गए हैं। बाकी आगे चल के किसान भी को काफ़ी नुकसान होगा, ना इसकी इतनी प्लाई बढ़िया बनेगी, बाकी ये रद्दी में जो है प्लांट जाएंगे। और इसके साथ में देख सकते हैं वहाँ पे हाइब्रिड प्लांट लगे हुए हैं, आप वो देख सकते हैं और ये देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। बाकी आप देख सकते हैं वो हाइब्रिड प्लांट है, बिल्कुल सीधा प्लांट है, कोई प्लांट जो बिंगा नहीं है और एक सार प्लांट है, और हाइट भी तकरीबन सबकी बराबर है, मतलब देख सकते हैं कोई प्लांट जो बड़ा छोटा नहीं है, और इनमें 10 फुट का अंतर है। बाकी देख सकते हैं ये प्लांट तकरीबन 2.5-3 साल का हुआ है और देखने में भी काफ़ी शानदार लग रहा है, बिल्कुल प्लांट प्लेन है, और ये जो प्लांट की वैरायटी लगी हुई है ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी लगी हुई है, ये पीतेस वैरायटी लगी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं और ये देसी वैरायटी लगी हुई है, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि काफ़ी अंतर है। और यही मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने खेतों में देसी प्लांट ना लगाएँ, क्योंकि देसी प्लांट के आगे चल के आपको काफ़ी नुकसान मिलेंगे। प्लांट बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ना उसका वेट देखने को मिलेगा, ना प्लांट की प्लाई बढ़िया बनेगी, रद्दी के भाव में प्लांट जाएगा 500 रुपये क्विंटल 600 रुपये क्विंटल जाएगा। पर इसकी जगह जो हाइब्रिड प्लांट हो गया वो आपका जो है 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये क्विंटल तक जो है हाइब्रिड प्लांट जाएगा। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। बाकी आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी देख सकते हैं और आप हाइब्रिड प्लांट की क्वालिटी देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। और आप देख सकते हैं देसी प्लांट तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने प्लांट लगे हुए हैं ये टोटल जो है देसी प्लांट लगे हुए हैं, और बाकी एक जगह आपको वहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, वहाँ पे जो है पीतेस के प्लांट लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, देख सकते हैं आप दूसरे खेत पे वहाँ पे जो है पीतेस के प्लांट लगे हुए हैं, देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं, वो हाईवी क्वालिटी प्लांट है और प्लांट बिल्कुल जो है सीधे हैं। बाकी अगर आपको हमारे पास से बढ़िया क्वालिटी के प्लांट चाहिए, तो अगर आपको बढ़िया प्लांट चाहिए, बढ़िया क्वालिटी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारे पास से बढ़िया प्लांट क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, और आपको हमारे पास से जो क्रोन पीतेस वैरायटी देखने को मिल जाएगा, 288 हो गया, 405 हो गया, 270 हो गया, इन्हें प्लांट की वैरायटी आपको हमारे पास से देखने को मिल जाएगी। और प्लांट काफ़ी शानदार होगा, प्लांट बढ़िया ग्रोथ करेगा, हाइट तकरीबन सबकी सेम आपको देखने को मिलेगी, एक साथ प्लांट चलेगा, मोटाई एक साथ लेगा, वेट जो है एक साथ उसका आपको देखने को मिलेगा। कोई प्लांट का वेट ऐसे नहीं कि आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिल गया, किसी प्लांट का वेट जो है 1 क्विंटल देखने को मिल गया, किसी प्लांट का जो है 3 क्विंटल देखने को मिल गया, तो इस हिसाब से नहीं होगा। बाकी वेट भी है तकरीबन आपको ऑलमोस्ट सभी प्लांटों में जो सेम देखने को मिला, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। पर आप जो ये देसी प्लांट में दे सकते हैं, कोई प्लांट जो पतला है, कोई प्लांट जो मोटा है, कोई प्लांट लंबा है, कोई प्लांट जो छोटा, आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं ये काफ़ी घटिया वैरायटी लगाई हुई है ये देसी, तो आप जिस जो है सतर्क हो जाइए, अपने खेत में कोशिश कीजिए कि हाइब्रिड प्लांट लगा सकिए, क्योंकि जो हाइब्रिड प्लांट होता है काफ़ी बढ़िया प्लांट होता है। बाकी आप देसी प्लांट को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। तो ये देख सकते हैं ये प्लांट जो है बिल्कुल भी सीधा नहीं है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके प्लांट जो है बैंड हो गया, मुड़ गया एक साइड को, और बाकी जैसे तेज़ हवा आएगी तो ये प्लांट जो पूरा टूट जाएगा।
तो बाकी सामने आज की वीडियो में इतने हैं। अगर आपको आज की वीडियो हमारी बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो उस समय फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय जवान जय किसान वंदे मातरम।